जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। हिंदी सिनेमा के ग्रेट शोमैन राज कपूर का निधन कुछ इस हालत में हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी मौत समय से पहले हो गई। अगर हम ये कहें कि केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के चलते राज कपूर का निधन हुआ तो गलत नहीं होगा। अपने आखिरी समय में राज कपूर अस्थमा से पीड़ित थे। जब वे हिना फिल्म की स्क्रिप्ट में बिजी थे तब उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के लिए खुद राज कपूर अपने पूरे परिवार समेत दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनके अस्थमा ने ज्यादा जोर पकड़ लिया, लिहाजा वे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखा करते। मगर राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कारणों के चलते राज कपूर को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही छोड़ना पड़ा। हमें कह सकते हैं कि सिलेंडर के साथ राज कपूर ने अपनी जिंदगी की डोर भी बाहर ही छोड़ दी। दादा साहब फाल्के अवार्ड का समारोह शुरू हो गया पूरे तामझाम और प्रोटोकॉल के साथ। राज कपूर दर्शकों में बैठे थे, उन्हें काफी समय से असहज महसूस हो रहा था। इधर राष्ट्रपति के आर नारायणन का भाषण जारी था और उधर राज कपूर को अस्थमा का दौरा पड़ा। राष्ट्रपति अपना भाषण छोड़ स्टेज से नीचे उतरे और उन्होंने राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज कपूर को तुरंत दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया, लेकिन राज कपूर को बचाया न जा सका। गुलाबी रंग के राज कपूर पूरी तरह से नीले पड़ गए थे। अगर उन्हें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखने की इजाजत मिली होती तो शायद राज कपूर बच जाते, लेकिन ऐसा हो न सका।